इस मर्दों के प्रदेश में महिलाओं की और वीरांगनाओं की दबंग आवाज बनकर गूंज रही हूं। मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए। मैं तो 20 में भी अपनी जगह थी, 23 में भी अपनी जगह थी, आज भी सही जगह खड़ी हूं। Somebody who is a convict begging for mercy can be the minister. सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया। सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया। मैंने देखा कि क्या हुआ यकायक इन दो दिनों में, वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मना है। वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना, मंत्री जी का मेरे को दीदार ही नहीं हो रहा। गुजर, मीना और जाट खेतिहार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45% से ज्यादा राजस्थान में इसका हिस्सा है। गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 6 महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन विभाग पर ओसियां विधानसभा की 17 ग्राम पंचायतें करीबन एक पंचायत समिति के बराबर JDA विकास प्राधिकरण के अधीन आती हैं। करीबन 7000 हेक्टेयर भूमि, करोड़ों रुपए की राशि की भूमि JDA के अधीन आती है। रोजमर्रा के काम में JDA क्षेत्र में आने वाली इन ग्राम पंचायतों को बहुत सारी कठिनाइयों का रोजाना देखना पड़ता है। उसके कुछ बिंदुओं के बारे में मैं इस पटल पर बात रखना चाहूँगी। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्य तथा भवन निर्माण के लिए JDA से NOC देनी पड़ती है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है कंपेरेटिव टू जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम NOCs लेते हैं। इसको भी तेजी देने की जरूरत है। काश्तकार द्वारा अपनी कृषि भूमि को रूपांतरण कराने के लिए जो कठिनाइयां JDA द्वारा आती हैं, उन नियमों के तहत भी हमें सरलता देने की आवश्यकता है क्योंकि काश्तकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आता है। सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए जो बजट में आती है उसके लिए भूमि प्रदान करने के लिए सीधा कलेक्टर को न होकर JDA द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही आवंटन किया जा सकता है, जिससे बजट घोषणा में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में बहुत ज्यादा विलंब होता है। JDA की ग्राम पंचायतें जिसमें नाडी, तालाब, नाले, हेनिकेट आ रहे हैं, वहां डीमार्क करके पंचायत को आवंटन नहीं कर रहे हैं और नरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृति में भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं। JDA से NOC की आवश्यकता पड़ती है और ये NOC टाइम पर मिलती नहीं है और नरेगा के काम भी विलंब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भी सरल करने की आवश्यकता है, या फिर हम ये कर दें कि नरेगा से संबंधित जितनी भी है वो पंचायती राज के अधीन है, उसे NOC लेने की आवश्यकता न हो JDA, क्योंकि बहुत साल 8-8, 10-10 महीने NOC के लिए भटकते रहते हैं। दूसरी चीज है जो विद्यालयों के पट्टों की समस्या है JDA के अधीन आने वाली इन ग्राम पंचायतों में। स्कूल की बिल्डिंग का तो पट्टा JDA जारी करती है, लेकिन अन्य खेल मैदान, चार दीवारी, शौचालय, इन चीजों के पट्टे JDA जारी नहीं करती। खेल मैदान भूमि आवंटन पे भी बहुत जबरदस्त टकराव यहाँ पर होता है। JDA इनको SDM के लिए कहता है और जबकि ये भूमि JDA की सीमाओं में आती है और JDA को आवंटन करना उनके अधीन होता है। निरंतर ये टकराव चलता रहता है और इस तरीके से फाइलें घूमती रहती हैं। JDA के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में शमशान भूमि आवंटन की बहुत बड़ी समस्या देखने को आई है। JDA द्वारा पूरे गांवों में शमशान भूमि में एक सार्वजनिक पट्टा जारी किया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ इन ग्राम पंचायतों के अंदर सभी जातियों के अलग अलग शमशान भूमि होती है। इसलिए कृपया उनका समाज वाइज अलग पट्टा जारी होने का प्रावधान इसके अंदर JDA में रिलैक्सेशन होना चाहिए। JDA के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में जो पुराने कदमी रास्तों को चिन्हित करके कटान रास्ता करवाने में भी बहुत बड़ी समस्याएं हमारे को देखने को मिल रही है। सदियों से चले आए जो कटानी रास्ते गांवों में चल रहे हैं, JDA द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, न ये कटान मार्ग दर्ज हो रहे हैं और उसका कारण इन रास्तों पर धीरे धीरे अतिक्रमण होकर ये रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और जो एक मुख्यतः मांग मेरी, जिस बिंदु पर मैं बोलने के लिए स्वायत्त शासन पर खड़ी हुई हूँ, कि ये जो 17 पंचायतें मेरे विधानसभा की आई हैं, JDA के अधीन आती हैं, इन 17 पंचायतों के 44 रोडों के प्रस्ताव JDA के अंदर पिछले कितनी सालों से धूल चख रहे हैं। 5 साल का यह कार्यकाल है, आखिरी बजट सत्र है, एक सूत सड़क JDA के यहां से ओसियां के अंदर आवंटित नहीं हुई, एक सूत। कागजों में भी लीपापोती करने का काम नहीं किया गया। बहुत ज्यादा पीछे पड़ने पर 2020 के अंदर JDC थे इंद्रजीत यादव, उनको परस्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि मार्च तक का तो हमारे पास में इतना बजट नहीं है कि हम इन सड़कों को ले लें, आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर कंसोलिडेटेड फंड में लेकर इसे हम करवा देंगे।
मेरा कहना था कि भाई इतने साल तक आपने नहीं दी है, बीच के इस ईयर में दे दीजिए, इलेक्शन ईयर के अंदर तो एक तलवार लटक जाएगी, आप टेंडर कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं होगा, हमारे को इतनी सड़कें चाहिए, आप कम से कम बीच के 21-22 के वर्ष में दे दीजिए। और उन्होंने इन 44 सड़कों के एस्टिमेट की राशि को कंसोलिडेटेड फंड के अंदर लेकर पारित कर दिया। बट मीनवाइल ही वाज ट्रांसफर्ड आउट, पोस्टेड आउट टू बी कलेक्टर इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। जेडीसी बदलते रहे, नए जेडीसी आते रहे, कह रहे हैं करवा रहे हैं, अब करवा रहे हैं, प्रस्ताव चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में नए जेडीसी आए हुए हैं मिस्टर नवीन, उन्होंने कहा मैं जल्दी इसकी एएसएफएस निकलवाकर और बहुत जल्दी एक महीने का आप समय मुझे दीजिए, मैं इसको करवा दूंगा। हम निरंतर इसकी रिव्यू मीटिंग्स लेते रहे, 2 महीने से 1 महीने, 1 महीने से 15 दिन, 15 महीने से 1 हफ्ता, आज तक तो वो 1 हफ्ता आया नहीं, 6 महीने हमारे चुनाव के बचे हैं। और नॉर्थ और वेस्ट जोन के इन एक्सियन से हम निरंतर करते रहे, जेडीए का चेयरमैन वहां पर है नहीं, जेडीसी है, इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट ही हैज नो कमिटमेंट फॉर लोकल पीपल ऑफ दीज 17 पंचायत्स एंड नो वैल्यू फॉर हिज वर्ड्स ईदर। ही विल बी पोस्टेड आउट, उनकी तो ट्रांसफर हो जाएगी, कोई सैलरी रुक नहीं रही है, फिर जेडीसी बदल रहे हैं और हम यहां पर बैठे हैं कि हमारी रोडें स्वीकृत नहीं हुई। और मैं निरंतर उन जेडीसी से बात कर रही हूँ, मेरे मोबाइल को अगर देखेंगे तो हर 15-20 दिन से बात करते हैं, वो मुझे रिव्यू रिपोर्ट व्हाट्सएप करते हैं कि मैडम अब इतनों की एएस हो गई है, अब इतनों की एफएस हो गई है, ये प्रगति रिपोर्ट है। और लेटेस्ट में अब 2 दिन की स्थिति आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने लेटेस्ट में रिव्यू मीटिंग करी और मैंने नॉर्थ और वेस्ट जोन्स के दोनों एक्सियंस को बताया, मैं दोनों नॉर्थ वेस्ट की इनको टेबल करूंगी यहां पर, और बात करके ये बात हुई कि 70% से ज्यादा जो रोड्स हैं उस पे पटवारी की रिपोर्ट बाकी थी, कुछ एएस हो गई, कुछ एफएस हो गई, कुछ एएस से एफएस के लिए प्रगति पर थी। आई कॉल द जेडीसी और मैंने जेडीसी से कहा कि 70% से ज्यादा दोनों के अंदर एक पटवारी की रिपोर्ट के लिए लंबित है। कितना टाइम लगता है एक पटवारी को जाकर एक रिपोर्ट लेकर आकर देने के लिए? आप साल भर से अंदर एक पटवारी की रिपोर्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं, क्या कमिटमेंट आप मुझसे रोज 1 हफ्ता और 1 दिन का कर रहे हैं? जेडीसी मुझे उत्तर देते हैं कि हम ओसियां को एक भी रोड नहीं देंगे। तो मैंने कहा कैसे नहीं देंगे, फिर आपने ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों कराई? हर शाख पे उल्लू बैठा है, मुझे लगता है उन्होंने इस शेर को बहुत सीरियसली अडॉप्ट कर लिया और उल्लू बनाने की ये प्रक्रिया करते रहे, हमारे साथ मीठी गोलियां देते रहे। ये सरकारी अफसरशाही जनप्रतिनिधियों को गोली देने का काम कर रही है। ओसियां से आपकी कोई आय नहीं है, पास्ट में ओसियां से जेडीए को स्वीकृत हुई है सड़कें, वो कैसे हुई? मैं तो जानना चाहती हूं कि ये जो पूरी एक एक्सरसाइज चल रही थी, यकायक सडन यू टर्न 2 दिन में कैसे हुआ कि नहीं देंगे? तो क्यों आप हमसे वार्ता कर रहे थे? क्यों आपने अपनी टीम्स वहां गांवों में भेजी? क्यों आपने रस्ते के पूरे रूट देखे? क्यों उनके एस को आपने कर दिया? क्यों आपने एफएस किया? ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों करवाई? गांवों में उन सबको पता है कि यहां पे प्रस्ताव बने इस रोड के लिए, वो निरंतर आते हैं, वो जेडीए में भी जाते हैं, हमारे यहां पॉलिटिकल चेतना बहुत है और वो पूछते रहते हैं कि टेंडर कब होगा, क्यों आपने किया? और अगर जो कंसोलिडेटेड फंड 44 रोडों का लिया गया उस वित्तीय वर्ष में, वो अगर इन रोडों पे एग्जॉस्ट नहीं किया जाएगा तो किधर एग्जॉस्ट किया जाएगा उस फंड को? क्यों और किसी और जगह क्यों यूटिलाइज किया जाएगा? दिस इज बिकॉज एक जेडीसी से दूसरे जेडीसी, इस टोपी की इस टोपी, उसके टोपी उसके ऊपर, अरबों खरबों की संपत्ति है वहां पर। बट आई बिलीव दैट दिस डिसीजन बाय द जेडीसी टू टेल मी दैट नॉट अ सिंगल रोड विल बी गिवन टू ओसिया इज अ मैन्युपुलेटिव बिहेवियर अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड। ऐसा क्या हो गया 2 दिन में? प्रगति रिपोर्ट 15 दिन पहले आज आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तो आपको साल भर पहले नहीं पता था? आप हमें 2 साल पहले कह देते, हम उसके लिए और कोई रेवेन्यू सोर्सेस ढूंढने की कोशिश करते कि हम उन दोनों 6 महीने पहले, आज आप मार्च में हमें कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। उधर आप 10 करोड़ के प्रस्ताव ले चुके हैं हमारे से मिसिंग लिंक में, कहां से हम इनको 44 रोडों को एडजस्ट करेंगे? सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया, सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया। मैंने देखा कि क्या हुआ यकायक इन 2 दिनों में, वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मना है, वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना, मंत्री जी का मेरे को दीदार ही नहीं हो रहा। उनकी महफिल में जब कोई आए, उनकी महफिल में जब कोई आए तो पहले अपनी नजरें झुका कर आए। समझ वालों समझ लेना, समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना, समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना, समझ में काश आ जाए, समझना समझना,
समझ में काश आ जाए, समझना समझना तो इतना ही कहना, इस्तीफा देना। मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं थी उस दिन। मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए। मैं तो 20 में भी अपनी जगह थी, 23 में भी अपनी जगह थी, आज भी सही जगह खड़ी हूं। Somebody who is a convict begging for mercy can be the minister. फिर मैंने फिर सोचा कि चलिए पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड इन्हीं दो दिन में क्यों हुआ, इसी दो दिन के अंदर ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया। तो मैंने पूछा अर्ज करी बंदे परवर से, मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर। मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर। बात सुनकर हंसकर मुस्कुरा कर वो बोले, हमसे टकराना मना है। मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया गलत में हां से हां मिलाना मेरी विरासत नहीं है। प्रियंका गांधी जी के नारे को आत्मसात कर रही हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, द्रौपदी नहीं हूं, बाहरी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए। मैंने 10 साल जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, मैंने 10 साल दोजक पे सजदे किए हैं। इस धरती पे दोजक का नाम कारागृह को कहता है, उसी कारागृह पे मैंने 10 साल सजदे किए हैं। मैंने कांटों से नहीं फूलों से धोखे खाए हैं, मैं सहारों से धोखा खाई हूं, अब सहारों से बच के चलती हूं। मैं राजस्थान इस मर्दों के प्रदेश में महिलाओं की और वीरांगनाओं की दबंग आवाज बनकर गूंज रही हूं। मेरा दोष क्या है, मेरी वारदात कुछ भी नहीं। सब बजा लेंगे आप, नहीं बोले। मेरी वारदात कुछ भी नहीं, हां थी, नहीं मेरी वारदात कुछ भी नहीं, नहीं हां थी, मैं पार्टी के प्रति फरमा बरदार थी। मंत्री महोदय आला कमान को भी चुनौती दे सकते हैं, मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूं, बावफा फरमा बरदार हूं अपने दल के प्रति। मुझे इस दो दिन के घटनाक्रम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं, क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे, जो डूबेंगे सनम तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। तो मैं नहीं डूबूंगी, मैं तो पहले भी नहीं आई थी, राठौर साहब ने बिल्कुल कर दिया। मैं तो रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जो रिट्रैक्ट कराए सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता, मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। गुजर कितनी दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं ये सर्वविदित है। मीना समाज के कद्दावर नेता को आप आतंकी की समान उपाधि देते हैं, जाट समाज की बेटी मंजू को नाते के नाम से लेकर आप चरित्र हनन करते हैं। ये तीनों गुजर, मीना और जाट खेतिहार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45% से ज्यादा राजस्थान में इसका हिस्सा है, गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 6 महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं। यहां सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं, निगाहें उठती नहीं, खम उठाए जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिस रिवेंजफुल एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की उस वक्तव्य की निंदा करी तो वहां पर JDC मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। दिस पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड, लेट द राजस्थान सी इट, कि अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मंजू जाट हमारे समाज का गौरव है, वो वीरांगना। अभी जाट महाकुंभ हुआ था, नहीं सुनेंगे हम इस तरीके की प्रथा। ये सुनने के लिए हम उच्च स्तर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए। आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं और ये सरकार का वक्तव्य नहीं था। सरकार का वक्तव्य इतना था कि कब कब FIR हुई और कब कब हमने अरेस्ट किया। और मैं इस बात का मुख्यमंत्री जी के इस बात का समर्थन करती हूं कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी दी तो जो हमारा पीछे रूरल बैकग्राउंड है उसके अंदर हो सकता है कि पीयर में ब्लैकमेल कर लेके जाइए, तुम नौकरी लेके आइए किसी की, नहीं तो हम घर में नहीं रखेंगे। इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट दीज वुमेन, इसलिए हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। वो बच्चे, शहीद के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर IAS बनने चाहिए, लेकिन किसी कारण अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए
और वो उच्च पदों के उस उच्च हम पढ़ाई नहीं ले पाए तो वो नौकरी उसके लिए रिजर्व होनी चाहिए, ये कहकर आप मत टालिए कि वो नाते में गई और आपने कभी देवर को दिया है क्या। मत करिए इस तरीके से चरित्र। आपने सरकार का, रुकिए मैं फिनिश कर रही हूँ, ये सरकार का वक्तव्य मैं से अग्री करती हूँ, लेकिन आपने वक्तव्य को कैसे पेश किया। आप कहिए कि उन्होंने मैन हैंडलिंग हुई, कांच फोड़े, ये किए, आतंकी के समान कैसे कह देंगे। और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि आपने पहले उनके नेता को कहा और दूसरे दिन उन्होंने हमारे प्रभारी को आतंकी कह दिया। ये कौन सा उदाहरण हम सेट करेंगे। मैं अर्थ में इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे को। मेरे खूने आरजू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरे खूने आरजू को वो समझ रहे हैं पानी। मेरी रोडें रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मैं सही के लिए खड़ी हूं उन जनप्रतिनिधियों से और कभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है। 6 महीने की अवधि है, हम सब चुनाव में जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास, जिस कलम से दस्तखत करते हैं, इस पे इतना मत इतराइए। ये भी उधार की है, ये भी उधार की है। और ऐसे दरिया तो